ये वाले आपने देखे होंगे डिजाइन, इसको देख देख के बोर हो चुके हो आप। ये भी मिल जाएगा 200 हो, ड्यूक वगैरह के हो गए। लुक चेक करो सबसे पहले इसके, इसमें आपको ड्यूक की ब्रांडिंग मिलेगी, मोटो गियर की ब्रांडिंग मिलेगी और साथ में मिल जाएगा स्लाइडर। तो काफी प्रीमियम चीज है जो कि आप देख पा रहे हो जी। तो ये आ गया जबरदस्त लुकिंग के साथ, ये हो गया मोटो गियर ब्रांडिंग के साथ। तो पहले प्रोडक्ट देखते हैं कैसा है। ये जो बहुत ही प्रीमियम है और एडिशन में फिट कर सकते हो, ये देखो सीएनसी प्लेट कैरियर, साइड की क्लैंप्स आ गई, इसकी मेन प्लेट आ गई, केटीएम इसके बैकरेस्ट लगाना है, बहुत ही प्रीमियम का लगाना है। ड्यूक 390 कूलेंट कवर डिब्बी उसके ऊपर लग जाएगा इस तरीके से। प्ले फिटिंग फुल्ली टेस्टेड, लाजवाब। लो जी इजी टू फिट। तो फुटरेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, ये लो जी फिनिशिंग देखो गाइस क्या जबरदस्त है। सो गाइस वेलकम बैक टू एसकेडी वाइब वर्ल्ड, मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज का लाइनअप चेक कराता हूँ, कौन कौन सी बाइक्स, कौन कौन सी स्कूटी आ रखी है। तो यहाँ पर GT Continental सीधे शोरूम से आ चुकी है, यहाँ पर इसके अलावा एरो 755 है, हंटर 350 एंड मिटियोर बिल्कुल न्यू। इसके अलावा यहाँ पर एंट्रोक आ गई आपकी, यहाँ पर R15 आ गई, एम ट्रैम्प स्पीड 400। इसके अलावा यहाँ पर अपाची हो गई, KTM हो गई, एंट्रोक यहाँ पर भी है और अंदर भी काफ़ी सारी बाइक्स हैं। तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। आप लोग कब आ रहे हो मुझे कमेंट करके बताओ। आपका भाई आप लोगों को दिल्ली करोल बाग नए वाला मार्केट में SKD बाइक पर तगड़ा डिस्काउंट देने वाला है, सच है। सुखा जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी लिया, आज के सिनेरियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रैश गार्ड पर। मेरे पास आप लोगों को पता है कि सारा प्रीमियम सामान जो है वो अब आना शुरू हो गया, इसमें से मैंने एक का जो है डीलरशिप ले लिया है वो है मोटो केयर। तो मोटो केयर के मेरे पास सारे क्रैश गार्ड सारी एक्सेसरीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन हम एक एक करके एक वीडियो में एक ही बाइक के बारे में बात करेंगे। वैसे अभी के सिनेरियो में देखो तो मेरे पास अपाची RTR 310 का भी है, ट्रैम्प का भी है, हार्ले 450 का भी है, KTM वगैरह के भी हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो है KTM का ही। तो KTM जो है आप लोगों की जैसे 250 हो गई, 390 हो गई, उसमें कौन कौन से क्रैश गार्ड हैं, रेडिएटर ग्रिल से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो नॉर्मल क्रैश गार्ड जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे हर किसी के पास। ये वाले आपने देखे होंगे डिज़ाइन, इसको देख देख के बोर हो चुके हो आप मुझे पता है। तो ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा 200 हो, 250 हो या फिर 390 हो। तो ये ड्यूक वगैरह के हो गए, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा मोटो गियर का अपने पास क्या क्या है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्रैश गार्ड, ये देखो गाइस ड्यूक 250 एंड 390, ठीक है, ब्लैक जनरेशन 3 का है ये। लुक चेक करो सबसे पहले इसकी आप, इसमें आपको ड्यूक की ब्रांडिंग मिलेगी, मोटो गियर की ब्रांडिंग मिलेगी और साथ में मिल जाएगा स्लाइडर। और इस प्रोडक्ट की आपको एक साल की गारंटी देता हूँ मैं, कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसको सीधे नया ले जाना, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। कहीं से जॉइंट हट रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि फिट नहीं हो रहा है, तब भी आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप दिल्ली के रहने वाले तो करोल बाग नए वाला मार्केट में आ सकते हो SKD बाइक वर्ल्ड पर अपनी शॉप पर। बाकी इसकी फिटिंग जो है अगर आप कोरियर भी कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसका सारा सामान जो है मिलता है। इसमें स्लाइडर्स मिलेंगे आपको, जो है की चेन मिलेगा, ठीक है जी, मोटो गियर का एक स्लाइडर दूसरा लेफ्ट राइट वाला हो गया, ठीक है जी। और इसी तरीके से इसमें जो भी फिटिंग्स है वो सब कुछ साथ में आती है गाइस, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। इसमें एक है मैट ब्लैक और इसमें जो मैट है ना ये भी जो है एक देखोगे तो स्पार्कल टाइप है, तो काफ़ी प्रीमियम चीज़ है जो कि आप देख पा रहे हो। एक कलर तो इसका ये वाला हो गया मेरे पास, इसको रख देते हैं। आपको मैं एक कलर और दिखाता हूँ, जिन लोगों को भाई KTM का थीम कलर चाहिए, लो जी। तो ये आ गया ज़बरदस्त लुकिंग के साथ, सेम स्लाइडर वगैरह मिल जाएगा आपको और एक एक चीज़ जो है प्रीमियम है। तो ये हो गया मोटो गियर ब्रांडिंग के साथ, एक साल की गारंटी आप लोगों को पता ही है। तो ये भी है और इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ, ये तो हो गया क्रैश गार्ड, वो वाले क्रैश गार्ड आपने देख ही लिए, ठीक है जी, मैट ब्लैक हो गया, ऑरेंज हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये जो है ये है, चेक कर सकते हो आप, KTM 250 390 न्यू मॉडल वाला सैडल स्टे विथ प्लेट। तो पहले प्रोडक्ट देखते हैं कैसा है। लो जी ये आ गए आपके सैडल स्टेज,
जो बहुत ही प्रीमियम है और बहुत ही ज़बरदस्त, इजी टू फिट, आसानी से आप अपने एडिशन में फिट कर सकते हो। ये देखो भाई, फिटिंग सारी साथ में आती है। ज़्यादातर क्या होता है, जो नॉर्मली हम लगवाते हैं, जो ऐसी जो नॉर्मली ब्रांड होते हैं, उसमें क्या होता है हर चीज़ अलग होती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं। अगर आप कोरियर भी करा रहे हो तो खुद भी फिट कर सकते हो। ठीक है जी, सेम दूसरी साइड का हो गया, लेफ्ट राइट। ठीक है जी, आप जो है अगली चीज़ जो है वो है KTM 250 एंड 390 न्यू मॉडल CNC प्लेट कैरियर। इसका भी देख लेते हैं कि कैसा लुक आता है। एक बार वो दिखाना ब्लेड, लो जी ये है इसका टॉप कैरियर। ये इसकी साइड की क्लैम्प्स आ गई, ये इसकी मेन प्लेट आ गई। KTM चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त, क्या फिनिशिंग है, और इसमें इसके जो नट बोल्ट वगैरह ये भी आ चुके हैं। ये टॉप रैक है, इसकी फिटिंग आएगी जैसे कि हमने इसको ऐसे लगा दिया ना, ये एक साइड, तो ये इसका टॉप रैक आ गया। कोई दिक्कत आती है चेंज, ठीक है जी। ये आगे KTM की टेल टैडी। अच्छा, जिन लोगों को ना टॉप रैक पे बैक रेस्ट लगाना है, बहुत ही प्रीमियम का लगाना है और कुशनिंग के साथ में, बहुत ही ज़बरदस्त मोटो गियर का फिनिशिंग चेक करो उसकी, कितनी ज़बरदस्त है। तो ये भी अवेलेबल है, ये यूनिवर्सल है, ये किसी भी बाइक पे लगा सकते हो आप। इसके अलावा है हमारे पास मिल जाएगा ड्यूक 390 कूलेंट कवर। अब कूलेंट कवर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके का होता है, जो आपका कूलेंट की डिब्बी है उसके ऊपर लग जाएगा इस तरीके से, और इसमें भी पूरा सेट आता है, जो इसमें नट बोल्ट वगैरह यूज़ होते हैं वो भी मिल जाएगा। रेडिएटर काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है, तो रेडिएटर की सेफ्टी के लिए यहाँ पर रेडिएटर गार्ड, जस्ट प्लग एंड प्ले फिटिंग, फुल्ली टेस्टेड और फिनिशिंग लाजवाब। लो जी, कलर जो है मेरे पास में मिल जाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कलर तो ये हो गया, एक ये ब्लैक में है। जिन लोगों को ब्लैक में चाहिए ब्लैक में, जिन लोगों को ऑरेंज में चाहिए वो ऑरेंज ले सकते हैं। लो जी, इजी टू फिट। अगली जो चीज़ है वो है इसके फुट रेस्ट। जो पीछे पर जो पीले राइडर बैठते हैं, तो वहाँ पर उनके पैर रखने के लिए फुट रेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो फुट रेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं KTM। ये देखो गाइस, ठीक है जी, KTM ड्यूक जनरेशन 3 फुट रेस्ट। ये इसकी फिटिंग्स वगैरह आ गई। ये लो जी फिनिशिंग देखो गाइस, क्या ज़बरदस्त है। मोटो केयर की ब्रांडिंग मिलेगी आपको और KTM का लोगो मिलेगा इसी तरीके से। इसका भी लुक देख लो गाइस, ठीक है जी। फुट रेस्ट आ गए, इसके रेडिएटर ग्रिल आ गए, कूलेंट कवर आ गया, बैक रेस्ट आ गया, और इसकी टेल टैडी आ गई, क्रैश गार्ड आपको दिखाया, टॉप रैक दिखाया, सैडल स्टे दिखाया। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज मिल जाएगी, जैसे कि इसके हैंड गार्ड वगैरह हो गए, और जो है इसके टायर हैगर वगैरह हो गए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो भी आप शॉप पे से बाय कर सकते हो। बाकी यहाँ पर और भी जो भी नॉर्मली बाइक हैं वो सब के एक्सेसरीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी ईजिली। फिर तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप इस तरीके का सामान कोरियर कराना चाहते हो या मुझसे बात करना चाहते हो, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।